4.3 का 3 नंबर का क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4 5 p -2। तो देखो हमको पता है कि जो भी प्लस और माइनस में जो भी होता है उसको पहले रिमूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे माइनस टू है, लेकिन माइनस टू अकेला नहीं है, माइनस टू के साथ में p मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जो p मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले वो p को आप रिमूव करो। तो p को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5 को रिमूव करो। 5 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करो, तो जैसे भी लेफ्ट साइड पे हम जितनी प्रोसेस करते हैं वो भी राइट साइड पे करते हैं, तो दोनों साइड पे क्या करो 5 से डिवाइड करो, दोनों साइड 5 से डिवाइड। तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे भी 5, तो 5p-2, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 5 कैंसल, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 = p-2। कितना आया, p-2। अब ये माइनस टू है तो माइनस टू को हमको रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे प्लस टू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी p डिवाइडेड बाय 5, लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस टू, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस टू, तो राइट हैंड साइड पे भी प्लस टू, तो यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू दोनों एक ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो p का क्या आंसर आया, p का आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। लेकिन इसका दोनों के दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या करेंगे, तो 4 का यहाँ पे 5 एलसीएम था, तो यहाँ पे भी 5 एलसीएम ले लो, लेकिन यहाँ पे 5 एलसीएम लिया तो ऊपर 2 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आया 5, तो ऊपर 4 प्लस 10, तो 14 आंसर कितना आ गया, 14। वैसे एक दूसरा क्वेश्चन भी करा देता हूँ, सी नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या है, 16 = 4 3t+2, ये आपको दिया हुआ है। अभी क्या करो, अगेन हमारी मेथड से ही जाओ आगे, पहले ये 4 को रिमूव करो। अभी सब स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 4 को रिमूव करना है तो दोनों साइड 4 का दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 4, तो 16 का कितना हो जाएगा, 12। 16 में से 4 माइनस करो तो 4 - 4 3t+2, तो 4 4 कैंसल, तो 16 4, तो ये आंसर आ गया 12। तो 12 = 3t+2। अभी ये 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो दोनों साइड LHS और RHS दोनों में क्या करो, 3 को 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, और यहाँ पे आएगा t+2। यहाँ पे प्लस टू है तो प्लस टू को दूर करना पड़ेगा, प्लस टू को अगर दूर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे प्लस टू को दूर करना है तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, -2 - 2, तो 4 - 2 t+2 - 2 - 2 + 2 कैंसिल, तो t = क्या आ जाएगा, आंसर 2। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3 के ए और सी करवाया। अब बी डी और ई आप अपने आप से ट्राई करना। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, थर्ड क्वेश्चन आज। अभी देखते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ में क्या है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग इज विथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। अभी देखो x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो ऐसे 3 क्वेश्चन लिखो, कैसे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो ऐसे 3 क्वेश्चन लिखो। तो याद करो कैसे बनाएंगे हम, कि कुछ भी प्रोसेस करो ना तो दोनों के साथ में सेम प्रोसेस होनी चाहिए, कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्रोसेस करे वो राइट हैंड साइड पे भी होनी चाहिए। चलो मान लेते हैं हम कि पहले हमने प्रोसेस की कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x, और 2 का क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी इसमें दोनों साइड हम 2 से 2 का सम कर देते हैं, दोनों साइड 2 का सम, तो 2x+2, तो 4+2, तो कितना आ जाएगा, आंसर तो वही का वही रहेगा, लेकिन ये भी इक्वेशन हो गया ना, 2x+2 = 6, ये आंसर, तो ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड। मीन्स प्रोसेस करोगे तो 2 सामने जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन ये अलग इक्वेशन आ गया। अभी देखो 2x = 4 है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करो, क्या करो, दोनों साइड 5 से डिवाइड करो, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x/5 = 4/5, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। मीन्स
जो भी प्रोसेस करो वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी करो और राइट हैंड साइड पे भी करो, तो दोनों साइड पे अगर जो प्रोसेस रहेगी तो वो अभी पहले क्या किया x इज इक्वल टू 2, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू 4 आया, दोनों साइड 2 से सम किया तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दोनों साइड यही इक्वेशन में दोनों साइड पे क्या किया हमने 5 का डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन नंबर 3। मीन्स जो भी प्रोसेस हो वो दोनों साइड पे करोगे तो जो भी इक्वेशंस मिलेंगे वो इसी के इक्वेशंस है।